जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी अप्लाइड टू सिचुएशन वेयर सम काइंड ऑफ हायरार्की और स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट। इसकी तीन टाइप्स हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तो वर्टिकल में है, मैनेजर्स कम्युनिकेट डाउनवर्ड्स व्हेन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड ब्रीफिंग देयर टीम्स। मतलब मैनेजर्स वर्टिकल कम्युनिकेशन करते हैं जब भी उन्हें कोई भी मसला होता है अपनी टीम्स के अबाउट। वो सब ऑर्डिनेट से पूछते हैं, नीचे की जानिब जाते हैं कि हाँ भाई ये क्या मसला है, क्यों हो रहा है। सेकंड बुलेट है, एम्प्लॉयज़ वुड कम्युनिकेट अपवर्ड व्हेन रिपोर्टिंग बैक टू देयर मैनेजर्स विद अपडेट्स एंड रिजल्ट्स ऑन वर्क परफॉर्म्ड। और जो नीचे एम्प्लॉयज़ हैं मैनेजर्स के, अगर उनको कोई रिपोर्ट पेश करनी है अपने मैनेजर को या उन्हें कोई भी मसला पेश आ रहा है, तो वो ऊपर की जानिब रुख करते हैं, मतलब अपर अथॉरिटी की तरफ रुख करते हैं। थर्ड बुलेट है, वर्टिकल कम्युनिकेशन इज़ टिपिकली मोर फॉर्मल एज इट रिकोगनाइज द डिफरेंट लेवल्स विद इन द हायरार्की। मतलब ये एक्सटर्नल है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, सब ऑर्डिनेट्स में कंसिडर दैट द सीनियर वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द opinions or information by the subordinates. Subordinates ये सोचते हैं कि senior उनमें interest नहीं लेते, और वो मतलब घबराते हैं उनसे बात करने में कि ये पता नहीं हमारी बात सुनेगा या नहीं भी सुनेगा। Subordinates may think that the seniors are busy. Subordinates ये सोचते हैं कि मैं अपना काम लेके चला जाऊँ और senior busy हो और वो मेरी बात ना सुने, ना सुनने को तैयार हो। Subordinates may fear that reporting of a problem or communication of a grievance may result in antagonizing. Subordinates ये सोचते हैं, यार अगर मैं न्यूज़ लेके या कोई भी रिपोर्ट अपने मैनेजर्स या सीनियर्स के पास लेकर गया, अगर उसमें कोई भी गलती हुई तो वो मुझ पे गुस्सा होंगे, मुझ पे चिल्लाएंगे, मतलब मुझे ऊट पटांग उलट पुलट बोलेंगे कि हाँ भाई तूने ऐसा काम किया है, वैसा काम किया है। Subordinates may fear that the upward communication may be considered by their colleagues as a way of getting closer to their seniors and seeking favors. अब subordinates ये भी सोचेंगे कि अगर मैं अपने ये बार बार ऊपर क्यों आते हैं, seniors भी ये सोचेंगे कि ये क्यों आते हैं, शायद ये मेरी फेवर हासिल करने के लिए आते हैं या मेरी सपोर्ट हासिल करने के लिए आते हैं।